26 नवंबर 2008 भारतीय इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है। इसी दिन आतंकी गिरोह लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई शहर में हमला किया था। आतंकियों ने 4 दिनों तक ताबड़तोड़ गोलीबारी और बमबारी की थी। इस भयावह घटना के 11 साल हो चुके हैं। आतंकवादियों ने CST रेलवे स्टेशन, द ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस, कामा और एल्ब्लेस हॉस्पिटल, लियोपोल कैफे, मेट्रो सिनेमा और टाइम्स ऑफ इंडिया और जेवियर्स कॉलेज के पीछे की लेन में हमले किए थे। इसके अलावा मजगांव विले पार्ले की एक टैक्सी में भी विस्फोट किए थे। जाने कब क्या हुआ, 10 आतंकवादियों ने स्पीड बोट के जरिए समुद्र मार्ग से मुंबई में प्रवेश किया। उनमें से 6 मच्छीमार नगर में गए। स्थानीय मछुआरों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपना परिचय स्टूडेंट्स के रूप में दिया, जबकि अन्य 4 कफ परेड के बदवार पार्क में आए और जब उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मछुआरों से कहा कि वे अपने काम से मतलब रखें। मछुआरों ने इस घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अधिकांश हमले 26 नवंबर को लगभग 9:30 बजे शुरू होने के कुछ घंटे के बाद समाप्त हो गए, लेकिन आतंकी गतिविधियां 3 स्थानों पर जारी रहीं, जहां बंधकों को ले जाया गया था। एक नरीमन हाउस, जहां यहूदी आउटरीच केंद्र स्थित था। दूसरे थे लग्जरी होटल ओबरॉय ट्राइडेंट और ताजमहल पैलेस एंड टावर। भारतीय सुरक्षा बलों ने 28 नवंबर को दोपहर के आसपास ओबरॉय ट्राइडेंट में और अगले दिन सुबह ताजमहल पैलेस में घेराबंदी समाप्त कर दी। इन आतंकी हमलों में कुल मिलाकर 20 सुरक्षा बलों के कर्मियों और 26 विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 174 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए थे और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया था। एकमात्र जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब पर आर्म्स एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस पर बिना टिकट के रेलवे परिसर में प्रवेश करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया था। अजमल कसाब ने खुलासा किया था कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मुंबई आतंकवादी हमले के पीछे थे। कसाब को मुजफ्फराबाद के 18 महीने तक इन मामलों को अंजाम देने के लिए परीक्षण दिया गया था। एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को नवंबर 2012 में पुणे के यरवदा जेल में फांसी की सजा दी गई। पूछताछ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली ने एक अमेरिकी अदालत को बताया था कि मुंबई आतंकवादी हमले से पहले आतंकवादियों ने सितंबर और अक्टूबर में मुंबई पर हमला करने के 2 असफल प्रयास किए थे। सेना से सेवानिवृत्त और मुंबई पुलिस में सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओंबले ने जीवित बचे आतंकवादी अजमल कसाब को मार गिराने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। ओंबले को असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया।